दुर्ग की पुराना बस स्टैंड स्थित प्रसिद्ध दरगाह का 71वां उर्स पाक मनाने उर्स पाक कमेटी की तैयारी पूरी हो गई है। 24 मई से सूफियाना माहौल रहेगा। हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुरी रहमतुल्लाह अलैह पुराना बस स्टैंड दुर्ग की प्रसिद्ध दरगाह में 71वां उर्स मुबारक की तैयारियां पूरे उत्साह और लगन से की जा रही है। उर्स पाक कमेटी इसमें काम भी कर रहा है। इस मशहूर दरगाह में छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य प्रांतों के श्रद्धालुगण हजारों की तादाद में पहुंचकर अपनी मन्नतों व मुरादों की झोली भरते हैं। हर कौम व मजहब के लोग भव्य चादर, संदल व झांकियों के साथ शिरकत करते हैं। अंचल के जनप्रतिनिधिगण, समाज सेवी व शहर की जनता इस शालीन परंपरा में आपसी सहयोग, प्रेम, भाईचारा, सद्भावना से कौमी एकता का संदेश देते हैं। यही कारण है कि सालाना उर्स पाक कमेटी उर्स पाक को एकता उत्सव के रूप में भी मनाते चले आ रहे हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन द्वारा वृहद इंतजाम किए जाते हैं। वहीं परंपरा अनुसार शहर के विधायक व महापौर संबंधित अधिकारियों के साथ प्रोग्राम के पहले स्थल निरीक्षण कर उचित व्यवस्था हेतु निर्देश देते हैं। उर्स पाक कार्यक्रम में बीते 50 वर्षों से प्रतिवर्ष पटवारी दरबार छिंदवाड़ा के द्वारा भव्य संदल निकालकर काबुली दरबार में हाजिरी पेश करते हैं, जिसका नेतृत्व गंभीर सिंह चौधरी, पूर्व विधायक मध्य प्रदेश, करते आ रहे हैं। सालाना उर्स पाक कमेटी निर्णायक मंडल द्वारा हर साल संदल, चादर, झांकियों को विभिन्न समाज सेवियों की स्मृति स्वरूप नियमानुसार चयनित कर उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। इसी कड़ी में उर्स पाक की तैयारी को लेकर कमेटी के सदस्यों द्वारा पूरी तैयारियां की जा रही है। इस संबंध में रऊफ कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी सालाना उर्स पाक कमेटी दुर्ग, ने न्यूज टीम को इस तरह की जानकारी दी है। सालाना उर्स पाक कमेटी के बैनर तले हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबली रहमतुल्लाह का उर्स मुबारक जो है, सालाना उर्स मुबारक जो है, हम उसे एकता उत्सव के रूप में भी मनाते हैं और लगातार निरंतर आदरणीय प्रकाश देशरेखा जी अध्यक्ष के नेतृत्व में सन 1998 से हम लोग जनता की मांग के अनुसार, जनता की इच्छा के अनुसार सफलतापूर्वक कार्यक्रम यहाँ की प्रस्तुति देते हैं। आपकी जानकारी में मैं लाना चाहूँगा कि 23 मई को बाद नमाज मगरिब यानी संध्या 7 बजे परचम कुशाई से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ होगा। उर्स पाक का और 24 तारीख को रात को 8 बजे खादी में आस्ताना जामा मस्जिद के घर के पास से शाही संदल जो है पूरे शहर का गश्त करता हुआ आस्तानी आलिया पहुँचेगा। 25 तारीख को कव्वाली के 3 दिवसीय जंगी मुकाबले में पहले दिन सलीम कपासन कव्वाली इन पार्टी टीवी रेडियो सिंगर कपासन शरीफ राजस्थान का मुकाबला राजा फाजिल साबरी कव्वाली इन पार्टी नई दिल्ली के साथ होगा। दूसरे दिन हमने अजीम नाजा कव्वाली इन पार्टी को बुक किया था, मगर उनका एक्सीडेंट हो गया तो उनकी वजह से दूसरे कव्वाल बुलाए गए हैं, जिनमें हमारे चांद कादरी चिश्ती कव्वाली इन पार्टी जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, टीवी एंड रेडियो सिंगर का मुकाबला जानी शायदा कव्वाली इन पार्टी गजल सिंगर आकोला के साथ होगा। और आखिरी दिन पब्लिक के डिमांड पर जुनैद सुल्तानी कव्वाली इन पार्टी बदायूं का मुकाबला बहुत ही अभी आज की तारीख में सबसे बड़े फनकार रईस अनीस साबरी कव्वाली इन पार्टी दिल्ली के साथ होगा। और 28 तारीख को सुबह कुल की फातिया काबुली खानका में होगी। इस बार हम लोग सालाना उर्स पाक कमेटी और दरगाह प्रबंध समिति संयुक्त रूप से ये भी अपील करेंगे कि दरगाह का तामीर का काम चल रहा है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग योगदान करें। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम जो है हमारे और आपके बीच जो है एक संबंध, मधुर संबंधों को बताता है। और एक निर्णायक मंडल भी सालाना उर्स पाक कमेटी बनाती है, जो ये एकता को, भाईचारगी को प्रदर्शित करने वाले संदलों को उनको पुरस्कृत किया जाता है, झांकी को पुरस्कृत किया जाता है, चादरों को पुरस्कृत किया जाता है। ग्रैनी सीन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।